नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे मानव के व्यवसायों के बारे में और अलग अलग दशाओं के आधार पर मानव के व्यवसायों का जो विभाजन अलग अलग भागों में किया गया था उसके बारे में हम आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं प्राथमिक व्यवसायों की चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, मनुष्य ने अपने विकास के पश्चात सबसे पहले जो कार्य करना सीखा था वो प्रकृति से संबंधित था। प्रकृति जात दशाओं के अधीन रहकर वो कार्य करता था। तो मानव के द्वारा किए गए ऐसे सभी क्रियाकलाप जो प्रकृति प्रदत्त दशाओं में प्रकृति के अधीन रहकर संपन्न किए जाते हैं उन सभी क्रियाकलापों को प्राथमिक व्यवसायों के रूप में जाना जाता है। ऐसे प्राथमिक व्यवसायों का जो स्वरूप होता है वो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की स्थिति को दर्शाता है, संसाधनों के उपयोग की स्थिति को दर्शाता है। प्राकृतिक व्यवसाय जो होते हैं वो पृथ्वी पर मिलने वाली भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, इन सभी संसाधनों का उपयोग करने की प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने की जो प्रक्रिया है वही प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जानी जाती है। ऐसी प्राथमिक क्रियाओं का जो सीधा संबंध होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण से होता है और पर्यावरणीय दशाओं के अधीन रहकर ही मनुष्य के द्वारा अपने जीवन यापन की, भोजन की जो प्रक्रिया की जाती है वो पूरी की पूरी प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में शामिल की गई हैं। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के अधीन रहकर अपने कार्य करते हैं। उनके व्यवसायों में प्रकृति की स्पष्ट छाप हमें देखने को मिलती है। ऐसे लोगों का स्वभाव सरल होता है, सहज होता है, वो निस्वार्थी होते हैं और परंपरागत रूप से जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में तकनीक का ज्ञान और कुशलता की कमी हमें देखने को मिलती है। तो सारांश ये कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जो लोग हैं वो मुख्य रूप से आदिवासियों के समान देखने को मिलते हैं। यह आदिवासी जो सभ्यता है वो प्राथमिक व्यवसायों की प्रधानता को ही दर्शाती हैं। विश्व में जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं उनका उन लगे हुए व्यक्तियों का वितरण सभी जगह समान नहीं पाया जाता। एक और विश्व के जो विकसित देश हैं वहाँ पर बहुत कम लोग प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न देखने को मिलते हैं। मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 5% लोग ही ऐसे हैं विकसित देशों में जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए मिलते हैं, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों को करने वाले लोगों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ऐसे प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर मुख्य रूप से कृषि की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। आखेट और शिकार की जो प्रक्रिया होती है उसको शामिल किया जाता है। वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का एकत्रीकरण या वस्तु संग्रहण से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। लकड़ी काटने की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक व्यवसाय का भाग है। मत्स्य पालन करने की जो प्रक्रिया है वो भी प्राथमिक व्यवसाय है। कुक्कुट पालन की जो प्रक्रिया है वो भी प्राथमिक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया भी प्राथमिक व्यवसाय है। पशुपालन करने की प्रक्रिया को भी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया गया है और इन सभी के साथ साथ खनन की जो प्रक्रिया है वो भी प्राथमिक व्यवसाय के रूप में शामिल की गई है। तो ये सारी प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं इनका प्रकृति के साथ में स्पष्ट संबंध देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है और इन प्रत्यक्ष दशाओं में रहते हुए मानव के द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। इसी कारण ऐसी क्रियाओं को बच्चों प्राथमिक व्यवसायों के रूप में जाना जाता है। अब वैश्विक स्तर पर ये जो प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं इनकी स्थिति सभी जगह हमें समान देखने को नहीं मिलती है। संपूर्ण पृथ्वी पटल पर प्राथमिक क्रियाकलापों की स्थिति में पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर, भौतिक दशाओं के आधार पर विषमता देखने को मिलती है
और इन विषमता रूपी दशाओं के आधार पर ही विशेष रूप से विश्व के अंदर जो प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं वो या तो ऐसे क्षेत्रों में किए जाते हैं जहाँ पर जलवायु संबंधी प्रतिकूलताएँ पाई जाती हैं, जैसे या तो वर्षा का बहुत अधिक मात्रा में होना या वर्षा का बहुत कम मात्रा में होना, या फिर तापमान का बहुत अधिक मिलना या फिर तापमान का बहुत कम मिलना, या फिर शुष्क मरुस्थलीय भाग होना, या फिर हम देखें तराई प्रदेश होना, दलदली प्रदेश होना, या फिर जो सदाबहार वनों का क्षेत्र वो होना, विश्व के जो विषुवत रेखीय भाग है उनकी स्थिति, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जहां पर मानव का अभी अधिक विकास नहीं हो पाया है और ऐसी स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता में देखने को